एक आपका गाना है नंगड़ वैसे साहूकार, हाँ ये मतलब नंगड़ा के पीछे कुकर पट रहे हो? नहीं, वो अरे गाना था एक, साहूकार। गाना था एक, नंगड़ के ऊपर लागे रे नंगड़ हाँ लागे। तो मेरे दिमाग में थी मागे के भाई वो दो सिस्टर हो है, तो वह फिर एक नंगड़ा के बैठे एक साहूकार के बैठे, वो साहूकार वाले के हुआ कि तू नंगड़ के अल्टपा दी नहीं, ना ऐसी साहूकार के। बात जो हरियाणा इंडस्ट्री में या हो रही है होनी नहीं चाहिए, या ऐसी चीज होनी चाहिए। देखो हरियाणा इंडस्ट्री में कोई शिकायत आपकी? गाने बड़े होने लग रहे हैं, 1.5 बिलियन का गाना हो गया, 200 मिलियन के, 500 मिलियन के, जितने बड़े गाने होने लग रहे हैं उतने आर्टिस्ट बहुत बड़े नहीं सारे होने लग रहे। कलाकार ऐसे हैं जो वायरल है बड़े स्तर पर हाँ हरियाणा इंडस्ट्री हाँ में, इंटरव्यू नहीं देते। मैं तो कहूंगा सेल्फी लेनी ले लें टाल मार। हर बंदे ने इंटरव्यू भी नहीं दे सकते यहाँ पर, हर बंदे को क्योंकि नहीं दे सकते। क्योंकि यो भी काम धंधा ढूंढ लिया, इब एक हाँ माइक कोई भी ठाव है हाँ और क्रिया बहुत जी 2,000 है। सब्सक्राइबर हैं, हरियाणा के 1,500 सिंगर, हरियाणा के सिंगर में कंट्रोवर्सी भी चल पड़ी। सारे हैं। वो उसके खिलाफ गाना गा देगा, वो उसका टोंट मार लेगा, वो घी में शक्कर मिला देगा, वो दूध में शक्कर मिला देगा। वो मेरे हिसाब से आपस में बैठ के सोल्व कर लेनी चाहिए। गाने में तो क्या है कि बदनामी हो है, बेशक वो गाना कितना चल जाओ पर नैना होती नौटियाल के बारे बदनामी में है, क्या कहना जाना आपको? नहीं करता ठंड। लेकिन हाँ जब वो उसका गाना सुने, मैंने 2-3 गाने सुने, हाँ उसका जो वे ऑफ सिंगिंग है वो मुझे बहुत बढ़िया लगा रहा है। केडी के बारे में? केडी बहुत जबरदस्त, सबसे पहले राइटर है मासूम शर्मा तो मासूम शर्मा, बहुत बढ़िया सिंगर है। सारे भाई है ना भाई मेरी, राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ भाई। खास इंटरव्यू है और पहली बार इंटरव्यू है। बहुत दिनों से सीरियस चल रहे थे, सीरियस बातें, पढ़ाई की बात, नौकरी की बात। मैं सोचा कुछ वीडियो ऐसी बनाए जाएं जो हरियाणा में चलें और हरियाणा के लोग कुछ सीखें। तो मेरे साथ हैं आज हरियाणा के जाने माने और बोला चाला थारी माँ, हमारे साथ अमित डोल भाई साहब। राम राम। राम राम जी, राम 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 सारे ने। और स्टेप अप JSR जो चैनल आप देखो हो, उसने देखने वाले सारे ने मेरी तरफ तो राम राम, और जिन्हें नहीं देखा वो भी देखो और चैनल ने सारे जरूर सब्सक्राइब करो। जी भाई साहब, फिल्म इंडस्ट्री में, गाना में सब कुछ चल रहा था, ब्लॉग का चैनल और शुरू कर लिया आपने? हाँ वो इब तो बंद कर रखे हैं हमने, क्योंकि एक गुड़िया हो गई थी पीछे छोटी, तो उसने संभालने में फिर थोड़ा सा, डिस्टरबेंस हो रही थी, हाँ मतलब तो उसके बाद देखेंगे आगे। घर गृहस्थी पर ले चैनल फिर उठता रहेगा हाँ बाद। उसके बाद देख लें चैनल ने, तो बाद लेकिन में एकदम तो हवा सी चली थी आपने, मेरे तो नोटिफिकेशन आया चैनल मुखा रहे हमें हाँ ढूंढना अपने अपना चैनल भाई ने। के हाँ 52,000 सब्सक्राइबर हो गए, ये बावन जब हमने हजार हो गए। शुरू करा है जब 5,000 थे हमारे। ओके हाँ तो मतलब परिवार में थोड़ा सा अचल विचल हो रही है, इज्जत है, एक बार ही हाँ स्टार्ट हो छोटे जाए। बच्चे हैं ज्यादा, एक गुड़िया हुआ 2 साल 2.5 साल की होगी लाले, और एक 7-8 महीने की हुई है, ओके तो दोनों छोटी हैं भाई, बालक हैं। तो काम हो जावा है, इसलिए चैनल ही पे नहीं आ पा कर पा रहे, चैनल पर काम ज्यादा, पर आगे करेंगे। ओके ऑस्ट्रेलिया का एट्रिक मार दिया आपने। ऑस्ट्रेलिया हाँ ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया बसन की में तैयारी है मेरे ख्याल से। ना इबे तो कोई तैयारी नहीं है, पर कोई ना भी को नहीं के बरा कदे बसना पड़ जावे, और बढ़िया भाई हैं सारे। और ऑस्ट्रेलिया में आप गए थे 2018 में गया था मैं, तो मैं तब मेलबर्न और पर्थ में शो करके आया था, इब गया था तो 6 जगह हम शो करके आए थे, मेलबर्न, पर्थ, एडिलेड, ब्रिस्बेन, कैनबरा, 5-6 जगह गए थे हम, सिडनी भी गए थे, और ईब गए थे मेलबर्न दोबारा, और आगे भी जाना पड़ जाए कैबरा। ये जो आप जाओ हो कर, मतलब परिवार ने भी लेके जाओ या आपकी टिकट बुक हुआ है, आपके दो चार साजिंदा की टिकट नहीं बुक? अभी परिवार में से तो कोई नहीं गया, मैं गया हूँ हमारे यहाँ से, तो बाकी अपने म्यूजिशियन हुए हैं और भी कलाकार हुए पूरी हैं। टीम हुआ हाँ है। अबकी बार सुरेंद्र रोमियो भाई थे, और हमारे साथ अंशु राणा थी, विकास कुमार भाई थे। हाँ अमित भाई मैंने नु बताओ, आप मेलबर्न जाओ हो, वहां पे हमारी ऑडियंस है, हरियाणा की ऑडियंस है या इंडिया की ऑडियंस है? हरियाणा की, याड़े की ऑडियंस है और ओड़े की ऑडियंस, दोनों हरियाणा की हैं। हाँ फर्क क्या है उनमें? रुक के किल की हाँ वो और सेम है सारा सेम है। सारा सेम है। आखिर में थोड़े से स्टैंडर्ड ज्यादा मेंटेन कर रहे हैं वे, किल जो की जगह हल्की हल्की चिल्ली नहीं मारे नहीं नहीं हैं। नहीं नुए मारे हुए हैं वो, शो भी पड़े हैं हमारे, और ऐसे एंजॉय करे जैसे अपने यहाँ करे हैं, बस वहाँ थोड़े कानून अलग हैं, तो कानून के हिसाब से करना पड़ा सबको। कानून के साथ किल की मारा नहीं पड़े। हाँ अंदर तो मारा ही ना ले, लेकिन जिस तरह अपने तो रोड आप चल दौड़े भी कोई भी अपन, अड़बात करते हैं, हाँ लेकिन वहाँ थोड़े रूल्स अपने तो अलग हैं, तो उस हिसाब से वहाँ फॉलो मैंने, करने पड़े हाँ हैं। और जो वहाँ रूल फॉलो करे वो अपना आराम से जिंदगी बितावे। फिर केस तो भी रहना है पर लग दे, एक आधी बार तो गलती हो जाती होगी। केस भी लग जाते होंगे, अभी तक मैंने ऐसा कुछ सुना नहीं, बट थोड़ा जुर्माना लग जाव है, और वो है भी जुर्माना हुआ है, तो फिर उसके बाद एक दो बार लग गया, और उसके बाद बंदा लाइन पे आ जाए, फिर सीधा सीधा हो जाएगा। अच्छा
अच्छा, आप जब इस इंडस्ट्री में आए एवं करा शुरुआत से बात, बिल्कुल, तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल आपकी लाइफ में मैंने सुना, पढ़ाई में भी, पढ़ाई भी, परिवार भी और गायकी भी, हाँ, तीनों मेंटेन करके चलनी पड़ी। मेरे ख्याल से घना स्ट्रगल था आपके जीवन में। स्ट्रगल आपा ने पूरा करे, हरी वाला करने लग रहे हैं क्योंकि इन तो फिर भी अमित डोल पूरे हरियाणा में नू है भाई, एस्टेब्लिश आदमी है, बढ़िया है, इन तो नाम है, लेकिन तो स्ट्रगल नहीं है इस तरह लोगों ने तो दिखा है। हर आर्टिस्ट का नाम दिखा है, चाहे कितना ही बड़ा नाम हो, बट उसने फिर मेंटेन करने खातर भी तो स्ट्रगल हुआ है। मेंटेन उस टाइम मुश्किल काम है। हाँ, जैसे आप ये चैनल चला रहे हो, हाँ, अब इसको मेंटेन रखने के लिए तो फिर और भी ज्यादा उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा पहले महीने में 3 दिन जाते थे, अब महीने में क्या बार 15 दिन जाना पड़ता हो कहीं। हाँ, ठीक बात है। तो ऐसे ही जब शुरू का जो स्ट्रगल था वो स्ट्रगल लग गया कौन करता, लेकिन ये स्ट्रगल लग गया है कि हाँ भाई स्ट्रगल करने लग रहे हैं भाई, क्योंकि आर्टिस्ट आते हैं, लाइन सारी भर गई है। और अब ये नहीं है कि भाई कोई नाम है तो उसे काम चल रहा है, जिसका कंटेंट मदम है कि बरा कोई नया लड़का आवा है, 4-5 गाने ऐसे आंधी से उठा के सारे साइड में कर दे, तो ई स्ट्रगल ज्यादा है। इस लाइन में मेंटेन करना औखा हो रहा है सब नहीं। एक आपका गाना है नंगड़ वैसे साहूकार, हाँ, ये मतलब नंगड़ा के पीछे कुकर पड़ रहे हो। नहीं, और अरे साहूकार, गाना था एक नंगड़ के ऊपर लागे रहने हाँ, लागे, तो मेरे दिमाग में थीम आगे कि भाई वह दो सिस्टर हैं, तो वह फिर एक नंगड़ा के बैदी, एक साहूकार के बैदी, वह साहूकार वाले के कि तू नंगड़ के अल्टपा दी है, मैं साहूकार के बैदी। तो उसकी एक लाइन जरूर सुनाओ सर। तो वह जो सिस्टर वह है, वह है, ए सुन ले बेबे बात, बाबू ने करी दुबात, ए सुन ले बेबे बात, बाबू ने करी दुबात, तू नंगड़ गैल टपा दी है, मैं साहूकार के ब्यादी है, मैं साहूकार के करी रे रे माटी करवा दी, मैं साहूकार के। क्या बात है, मतलब पहले तो आदमी लुगाई की लड़ाई करवाओ थे, दो बहना के बीच में लड़ाई करवा दोगे आप? वो लड़ाई भी नहीं कह सकते, सॉन्ग तो आप एंटरटेनमेंट खातर ही बनावा हाँ। तो ये जस्ट एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट के लिए कोई दिल पे लेने की बात नहीं। अगर किसी घर में स्लिम ही नहीं हो तो फिर तो हो गया रोला, फिर भी कहोगे अमित डुल ने हमारी बात सुन ली, मेरे ख्याल से बना दिया हाँ, गाना। सिचुएशन तो अंदर ही बने दुनिया में, ठीक बात, सारी गाने की वजह से क्रिएट नहीं होती, किस सिचुएशन में। खैर, हम तो एंटरटेन खातर ही बनावा एक गाने। अच्छा, इब जब आपके फिल्म इंडस्ट्री में इतने इतने गाने, इतने, मैंने जब पता चला कि आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, हाँ, मैंने आपके ऑस्ट्रेलिया की लाइव की एक वीडियो दिखे जिसमें आपने हरियाणा का जिक्र, फिर जींद का जिक्र, फिर पोकरी खेड़ी का गाने में जिक्र करा। हाँ, मेरे ख्याल से आपका फेवरेट गाना है शायद जींदाला। जींदाला, हाँ, जींदाला गाना हम बनावा नहीं थे, वैसे ही मैं गाड़ी में था, मेरी वाइफ भी साथ में थी, वैसे ही मैंने लाइन लिख दी है, मैंने उसे खातर लिखी थी वैसे। अच्छा, तो वो फिर मैंने गाना पूरा करके, मैंने सोचा चलो इसने ऑडियो रिकॉर्ड करके ऑडियो रिलीज कर ले मैंने, पर वो सपना अच्छा लगा वो, फिर मैं और सपना बैठे थे तो मैंने सपना सुना दिया, तो वो बोली गाना आपा करेंगे, फिर हमने गाना करा और वो सपना के चैनल पे रिलीज है देसी गीत पे, वो 12 मिलियन व्यूज हो ली उसके, और लोगों ने बड़ा पसंद आया। वो एक जोन का गाना, जैसे जींद एक हरियाणा में इंडिया में एक एरिया है, और उसको इतना पसंद करे तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, तो मेरे शहर का नाम इतना। मेरे ख्याल से जब आपने गाना चलाया ना तो शुरू में इतना नहीं चला, उसके बाद अब कुछ ज्यादा चल गया। हाँ, डीजे पे भी सारा बज जाएगा गाना, ये भी चुगरते ही बज जाए। हाँ, डीजे। अरे आपने, मैं एक बार चाहूंगा कि आपने जो हरियाणा जींद और फिर पोखरी खेड़ी का जिक्र करा वो एक तर्ज सी सुना दो। इसी में जी, वो इसी में नहीं था शायद, वो आपका दूसरा गाना था, चाड़ा थारी माँ गाने में था। हाँ, वो चाड़ा थारी, क्योंकि मैंने जब पर्थ में आप सुनाने लग रहे थे ना, आपको इतना बड़ा फ्लैक्स अमित ढोल और आप गले खड़े थे जब आप ये गाना गाओ थे, तो आपने शुरुआत करी थी भाई, पहले तो हरियाणा था और फिर जींद और फिर पोखरी। वो चाड़ा थारी माँ गाना है, वो अरमान मलिक और कृतिका मलिक के साथ हमने करा था। अच्छा, वो पहले वो चाड़ा थारी माँ का वो लाइन सुना दो, क्योंकि मैंने उसमें बड़ा मजा आया। हाँ, उसकी थोड़ी शुरुआत तो सुनाऊंगा आप। 6 फुट का था गोरा गोरा, हरियाणे का छैल सा छोरा, लाट साब सा जच रहा टोरा, कति चाला थारी माँ। ये लाइन बड़ी फेमस हुई थी, काली काली गाड़ी ले रहा, जींद का नी के डिपर दे रहा, फ्रंट सीट भी स्लीपर ले रहा, कति चाला थारी माँ। नाम पूछ लिया, गाम पूछ लिया, के कर सन काम पूछ लिया, दयागिरी का दाम पूछ लिया, ओ पोकरी आड़ा थारी माँ। क्या बात है, हमारे गांव में दादा दयागिरी जी की
का मंदिर है यहाँ पे, अच्छा पुष्कर तीर्थ है हमारे गांव में, आप राजस्थान में जावा उसका अंश है यहाँ पे पुष्कर तीर्थ का मेरे गांव में। अच्छा जो मैं क्या करें पितर तर्पण वगैरह की वगैरह हमारा यही हो जाएगा सारा। अच्छा हाँ ओके ओके पुष्कर ओके तीर्थ पुष्कर का अंश है तीर्थ, हमारे यहाँ तो पोखरी वहां तीर्थ। पे जाने की जरूरत नहीं, शॉर्टकट में आ रहे हाँ हैं जो। हाँ ओके अच्छा आपका फिर जींदाड़ा आपका गाना चला, हाँ जींदाड़ा मैंने इतना पसंद आया, कई बार तो हम उसने चलाई जाऊँ गाड़ी में मेरे है वो जींदाड़ा गाना। खातर तो बहुत फोन आवे लोगों के, अपने जो जींदाड़े उनके भी आवे, वैसे भी बहुत कॉल आए मेरे पास जींदाड़ा गाना खातर तो लगातार लगातार। वो सबकी लाइफ पर भी लग गया वो गाना, हाँ जिसकी शादी हो रही है उनने भी। मतलब पूरी फील आवा उसमें। हाँ और छोटी मोटी बातें तो घर में हस्बैंड वाइफ के लगभग ओए लगभग हैं वो उसमें नॉर्मल सी बातें लिख रखी है तो बस दिमाग में क्यों कराया जिंद का बस वैसे गाड़ी ही में, लाइन। हाँ गाड़ी में थे मतलब हम। कई बार कोई चीज वो दिमाग में आ जाए वो लिखी जावे, और कई बार किसी पे बहुत मेहनत करा हाँ हाँ और वो गाना चलता है भी नहीं, बहुत ज्यादा मेहनत का आपके हाँ लिए बना के मेरे लिए तो नहीं बना कई बार। सब गल्ला बना है गाने का आजकल, किसी का कुछ नहीं पता कौन सा चल जावे कौन सा नहीं चल जावे। किसी पे मेहनत गणी कर रखी है, खर्चा गणा कर बहुत रखा सारे है। गाने ऐसे मैंने बहुत मेहनत करी नहीं चले, बहुत सारे गाने उन पर कम मेहनत करी वो चल गया। गणे आर्टिस्ट का लगा ऐसा गणी मेहनत करे के बरा वो गाना तो लक बेस्ट है सारा, पता नहीं यूट्यूब बेस्ड है यूट्यूब बेस्ट है। लक बेस्ड तो लास्ट की बात होगी, पर यूट्यूब पर कौन सा कंटेंट कैसे क्या सजेशन मावे, कई बार ऐसा हो कंटेंट लोगों तक पहुंच नहीं पाता और वो रह जावे ऐसे। मेरी टॉप की जो 5 वीडियो है वे सारी अजीब सी, मैंने मुंह बकवास से सोचा मैं चलूं फिर बढ़ा दे रहे वीडियो खाम खाम आ रहे थे हाँ जो, वो नुए वे वगैरह 5 7 वीडियो बनाई वे चली और कोई सी नहीं चली मेरी, बस ऐसे ही जिन पे है। हंगा ला दिया कोई सी नहीं चली मेरी, इंस्टाग्राम का भी ऐसे क्या पता बढ़िया कपड़े का करा के चल बड़े जावे। वीडियो बना हुआ कौन चल रहा जमा के बरा, वैसे जड़े बैठे हैं आप और कोई वैसे वीडियो बना रहे हुआ चल जावे। आपने एक गाना लिखा है राम मंदिर पे हाँ लेकिन उसकी ऑडियो बना के छोड़ दी। वो मन्ने ने लिख रखा, वो अपने कवि हैं भाई गौरव चौहान, बहुत बड़े कवि हैं, आप नेशनल चैनलों पे देखते होगे सारे, उनका लिखा हुआ गाना है वो, आपने गाया है फिर मन वो, गा रखा है वो। लेकिन उसमें ऑडियो ऑडियो आई। पर वो ऑडियो भी शायद 2 साल पहले रिलीज करी थी हमने, हाँ उस टाइम 8-10 हज़ार व्यूज थे वो, ईब गाना उठ रहे हैं वो ईब, उस पर 6 लाख व्यूज हो गए। तो ये भी 1 तारीख ने राम मंदिर बन जाओ, वीडियो तैयार कर लो ताकि तब तक उठ जाओ राम फिर। मंदिर तो बसंत पंचमी जो आएगी 2024 में जी तो वहाँ रामलला मंदिर में पहुँचेंगे अयोध्या के राजा, तो और भी हम बना रहे हैं कि दो गाना और राम मंदिर पे राम मंदिर पे, मैं और कन्हैया मित्तल भाई कर रहे हैं एक राम मंदिर पे तो थोड़ा सा लिख कर दो, हम गाना पहले नहीं लिख वो कर अभी गाना भी लिखने लि, का भेज लि, रखा है हमने। पेंडिंग हाँ है वो। हाँ पर हमारी बात हो गई है कि हम कर रहे हैं। अच्छा मैंने अक्सर कई बार नु सुन मा भाई ये जो गाने हैं नाचने हैं बामण जट्टा में नहीं होंगे, और घर में आपके भी कुछ गाली गुली ना सुना करते, ना मारा तो मैंने बहुत सुनी है। नहीं ये कोई नहीं कह यो जाटा काम करना, हमारे घर पर कभी ऐसी चीज नहीं हुई और मैंने अपने मेहनत मतलब घर करी का ना है। सपोर्ट करा भाई चल तू गाले गावे हाँ गाले पर पढ़ ले तो फिर खैर। स्ट्रगल नु चल रहा, पढ़ हाँ ना घर का ना क्या गाना आपने सोचा। हाँ तो फिर दोनों चीज पैरेलल लेके चलनी पड़ी हमने तो राम मंदिर की कोई एक आधी लाइन वही सुना दूंगा। अवध में गाओ खूब बधाई घड़ी मंदिर बनने की आई, कई बरसों की कठिन तपस्या राम भक्तों की रंग है लाई, देश के राम राम का देश राम की महिमा है न्यारी, ईट ईट पे नाम लिखा है जयकारा श्री राम लिखा है, राम मंदिर की है बारी राम मंदिर की है बारी राम मंदिर की है बारी राम मंदिर की है बारी। क्या बात। अच्छा भाई साहब हरियाणा इंडस्ट्री जो है पहले तो बहुत कम थी देखने में आ गई थी, ये भी इतनी शानदार उठ रही है, हाँ आपने कोई ऐसा मामला जो आपने लगता हो कि भाई हरियाणा इंडस्ट्री में ये चीज होनी चाहिए थी हो नहीं रही। हरियाणा में वैसे इंडस्ट्री है आपके मैंने आज तक जो इंटरव्यू देखे हैं, जो आपकी बातचीत सुनी है, जो आप सर्कला में जो आपको लेकर चला है, पॉजिटिव एटीट्यूड है आपका, कोई भी मामले ना बड़े पॉजिटिव नजरिए से सोचो, लोग नेगेटिव सोचते हैं आपने पॉजिटिव नजरिए से सोचो, फिर भी कोई ऐसी बात जो हरियाणा इंडस्ट्री में या हो रही है होनी नहीं चाहिए या ऐसी चीज होनी चाहिए, देखो हरियाणवी इंडस्ट्री में कोई शिकायत आपकी। गाने बड़े होने लग रहे हैं, 1.5 बिलियन का गाना हो गया, 200 मिलियन के 500 मिलियन के, जितने बड़े गाने होने लग रहे हैं उतने आर्टिस्ट बड़े नहीं होने लग रहे हैं। तो क्या उन गाने में सुखी प्रमोशन लग रही है, नहीं, अच्छा एक्चुअल चल रहे हैं वो। गाने तो सही चल रहे हैं, व्यूज भी सही आ रहे हैं, देखो एड वगैरह तो सबके गानों पे लगती है, ठीक लगाओ भी है हैं जी। ठीक है, लेकिन
आर्टिस्ट बड़े नहीं हो रहे आप पंजाब या बॉलीवुड में देखो जाके, कोई भी गाना रिलीज हो गया ना 50 मिलियन का हो जाओ 100 मिलियन का हो जाओ, तो आर्टिस्टों के लिए बहुत सारे ऑफर आते हैं, बहुत सारी चीज़ें ओपन हो जाती हैं, जैसे लाइव शोज वगैरह बड़े अच्छे लेवल पे तो होते हरियाणा हैं, के अंदर लाइव शो कम है? कम है। अगर हरियाणा में लाइव शो है तो भी मेरे ख्याल से बाहर के कलाकार ने बुलावा है ऐसा? बाहर के कलाकार ने भी बुलाते होंगे, हरियाणा ने बुलावा है, पर पैसा का बड़ा यहाँ पे अभी चल रहा है टोटा मामला। है, हाँ पैसे तो बहुत हैं पर लोग देख रहा जी को देख रहा जी को, नहीं इसका कारण क्या है? पता नहीं भी देना जी। अभी मेरे पास एक कॉल आया कि उन्होंने शो कराना था कोई, मैं कहा ठीक है जी, तो वो बोले बताओ, मैंने उनते बता दिया अपने, मैं बता दो कितने दो का लाख है। रुपए लिया करूं, अच्छा जी, तो बोले जी हमारा तो सारा ये 8-9 लाख का बजट है, जिसमें हमने पंजाबी आर्टिस्ट बुलाना है, हरियाणा का बुलाना है, और वैसे सारा ऑर्गेनाइज भी करना है, तो बोले 5 लाख रुपये तो हमने पंजाब वाला कलाकार के काट रखे, हरियाणा के आर्टिस्ट के। बड़ी देवी की तर मान्यता थी उसके, दुनियारे हाँ काट बोले दिए। हरियाणा के आर्टिस्ट के लिए बजट नहीं है, तो मतलब वो फोन पर तो गाल मेरे पे लिकड़ी को नहीं, अब वो बाकी भी रही उतरते हैं, मैंने जितनी गाल थी सारी दे दी उसने, ठीक है। हाँ तो बड़ी मेरे को बहुत बुरा फील होया, अरे मेरे गलो ही है और गलत किसी गलत जरूर होती होगी, और हम कितना रेट बता देते हो, पर फिर भी कलाकार की सोचते हैं कि भाई चलो शो तो आ रहा है, करते हैं, लोगों का सामना आवेंगे तो और चीजें बढ़ेंगी, और बढ़ने भी लग रही हैं, कच्चा मंदा थोड़ा मैं गीला सूखा करके सारे आर्टिस्ट करने लग रहे हैं, बहुत सारे अच्छे पैसे लेने भी लग रहे हैं, हाँ ठीक बात है। पर बहुत सारे लेने लग रहे हैं, लेकिन घनखरे ऐसे हैं आर्टिस्ट अपनी लाइन में जिनको अच्छे पैसे मिलने चाहिए। अब जिन जिन आर्टिस्टों के बड़े बड़े हिट गाने हो रहे हैं, कितने होंगे, खूब है। खूब है, सब शो में जाते हैं, तो सबको बढ़िया पेमेंट नहीं मिलती, मिलनी चाहिए, इसलिए आर्टिस्ट बड़े तब होंगे। जैसे मान लो एक ये है पंजाब का कोई भी आर्टिस्ट अच्छा गाना करता है, कई देशों में शो लगा होगा, पंजाब के लोग ज्यादा कदर करते हैं आर्टिस्टों की, उनकी ज्यादा इज्जत करते हैं, ठीक है, अपने इस मामले में भी थोड़ा चीजें संकुचित है। संकुचित है, ठीक है। तो जब ये आर्टिस्ट बड़ा होगा, जब उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट मिलेगी और प्रॉपर उसको धन मिलेगा, ठीक बात है। दोनों चीजों से ही, और ये अभी यहाँ पे 100% मिलनी स्टार्ट नहीं हुई है। हरियाणा इंडस्ट्री में मैंने एक दो बात नोट करी है, आप वायरल हो, आप पॉजिटिव एटीट्यूड है, सब कुछ है, कोई भी आवे इंटरव्यू आप दे भी दो, मना भी नहीं करते किसी से, भाईचारे की सेंस में आप लोग। बस हाँ बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जो वायरल है बड़े स्तर पर हरियाणा इंडस्ट्री हाँ में, इंटरव्यू नहीं दे। मैं तो कहूंगा सेल्फी लेनी ले, टाल मार। पता नहीं क्या थोड़ी है, मैंने तो पता नहीं क्यों नहीं देंदे मतलब इंटरव्यू। ऐसा करने से कोई उसकी इमेज बड़ा है ऐसा, क्या आप क्या लगा अपने? देखो अब उनका विचार है भी, आप क्या बतावा, हम इंटरव्यू देते नहीं, सेल्फी लेनी तो ले ले, फिर सेल्फी तो भी नाइट से बतेरे ऐसे यूट्यूबर इनका तो सेल्फी भी अपने दूरे रख। हाँ फिर सही है, फिर उन्होंने कह दिया करो भाई सेल्फ इंटरव्यू नहीं देंदा, तो देखो आप बोल सकते हो चीजें, मान लो मेरे को आप बोलोगे भाई मैंने इंटरव्यू लेना, मैंने को तो मैंने यार था फोटो खींच ले, तो आप बोल दो भाई तू इंटरव्यू नहीं देता, फोटो भी कौन खींचवादा, टाल कर मैं इतने रिस्पेक्ट से आपसे हाँ बोल रहा ठीक हूँ, बात है। तो उनकी तो थ्योरी मेरे समझ में नहीं आती पता नहीं क्यों, लेकिन हर बंदे ने इंटरव्यू भी नहीं दे सकते आप, हर बंदे को क्योंकि नहीं दे सकते। क्योंकि यो भी काम धंधा ढूंढ लिया, इब एक हाँ माइक कोई भी ठाव है हाँ और क्रिया भोज्य 2000 है। सब्सक्राइबर हैं, 1500 हैं, और फिर सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ होती है कि जितने भी अपने आर्टिस्ट हैं ना, सभी के कहीं ना कहीं किसी न किसी से लिंक है, कोई ना कोई अपने आपसे लिंक में मिल जाओ है, मिल जाऊंगा, बात आ जाए फिर भाईचारे पे, ठीक बात भाईचारा है। मनु कर दे, भाईचारा मनु कर दे, भाईचारा मनु कर दे, तो अपना भाईचारा घना चाहिए, भाईचारा लेनी हो जाए फिर तो वहां। भाईचारा में चीजें फिर ज्यादा ही। नहीं देखो हम यूं भी कहूँ, भाई जमाए हाँ 50 यूट्यूबर हैं, 50 में से 5, 7, 8 इंट को लोग इंटरव्यू दे दो आप, हाँ ऐसे हैं जो जिनको इंटरव्यू देना चाहिए, देना चाहिए बिल्कुल, भाई, वो कहीं ना और कहीं आपकी इमेज ही बढ़ावा है। इंटरव्यू से इमेज तो घटती नहीं किसी की। कोई पर्टिकुलर सवाल हो भाई, यू जिक्र ना करिए और पूछ ले जो तेने पूछना है, ऐसा हो उसका मेरे ख्याल से। फिर वो कोई समस्या आ जाए उन पर, मान ले मैं इंटरव्यू देने तो मना कर दूँ, कल ने एज एन आर्टिस्ट मेरे पे कोई समस्या आ जाए, तो फिर वो जो 1000 सब्सक्राइबर आने में इंटरव्यू देवे, फिर तो बंगा हो जाए, हाँ फिर वो हर बंदे को मेरी बात पहुंचनी चाहिए, रोएंगे इंसाफ मेरा, दिलाओ। हाँ, तो इसीलिए आर्टिस्ट को मीडिया की हमेशा ही जरूरत रहती है, उसको आप उसको मना नहीं सकते, तो नाराज भी ना करो उसने कोई चीज़ खातर, तो प्यार बनाए रखना जरूरी है सभी के साथ। आजकल हमारी, आपने तो खैर कह दिया भाई हरियाणा के लोग थोड़ी सी तवज्जो कम दे, पेमेंट पे रोड़ा हो जी है, लेकिन मैंने एक बात नोट करी है, हरियाणा के सिंगर हरियाणा के सिंगरा में कंट्रोवर्सी भी चल पड़ी। सारे हैं वो उसके खिलाफ गाना गा देगा, वो उसका टोन टू मार लेगा, वो घी में शक्कर मिला देगा, वो दूध में शक्कर मिला देगा, घी में शक्कर टोन दे रही हो, हाँ मतलब इस कंट्रोवर्सी को लेकर क्या कहना है आपका?
भाई कित सिंह उड़ जाए किसी न किसी बात पे कोई किसी आर्टिस्ट का कहीं आर्ट हो जाती होगी। आपने मेरे तो कोई बात कह दी मेरा वो आर्ट होगी केवल अपना आर्ट होने के अभी तक कहीं भी नहीं हो। हाँ तो फिर आर्टिस्ट दूर रखिए गाने वो गाने का थोड़ा बड़ा निकाल दें पर कह दो वैसे मिलके कह दो। हाँ मिलके कहने में बड़ी आ रहा है आपके अंदर गाना के थ्रू को है। अच्छा फिर हमारे वर्ग के यूट्यूबर्स पर वीडियो बनाते हैं हमारे व्यूज उठ से आपस में ले रहे हो यूट्यूब पर काम चल रहा है काम चल रहे हैं। तो ये जो आपस की बातें होती हैं कलाकारों को मेरे हिसाब से आपस में बैठ के सोल्व कर लेनी चाहिए। गाने में तो क्या हुआ है कि बदनामी हो है बेशक वो गाना कितना चल जाए पर होती बदनामी है इंडस्ट्री की बदनामी होती है कि देखो क्या चल रहा है उनकी इंडस्ट्री में। या वो पॉपुलर होने के लिए ये कोई उनका रोस्टिंग सिस्टम है भाई जगदीप ने कोई नहीं जानता इस भाई ने कोई नहीं जानता मैं इसने गाली दे रही हूँ मैंने गाली दे लिया फिर जाने लग जाएंगे ऐसा भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी हर चीज की है पर आप क्यों किसी की नेगेटिव कहा कुछ भी कोई भी आज के दिन वायरल होने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है ठीक है। पर जो कलाकार है जो सिंगर है बढ़िया राइटर है उनको मेरे हिसाब से शोभा नहीं देते चीजें इसकी इमेज डाउन हो गई है हरियाणा में और खास कर ये बात और आपस में टोट मारने ये चीजें बढ़िया नहीं होती। और जो भी कलाकारी कर रहे हैं मैं तो कहूंगा कोई बात है तो आपस में बैठ के सुन जाओ दो भाई अनोर बुला लो दो कलाकार अनोर बुला लो आपस में बैठ पंचायत सी कर लो बस पांच चार भाई बैठ के बात खत्म। अच्छा बाकी जो गाने में स्वाद सा रहे है तो लोगों ने ब्याह रहे ठीक है ले ले अच्छा ना चल रहा है बस। खेती क्यों कर छोड़ू वो बिंदर दिनोदा भाई ने लिखा था नीनू सिंदर ने मैंने गाया था आपने गाया था तो ये दिमाग में आईडी कितना है वो भाई ने लिख रखा था अभी मैंने तो उस पर नाले अपना आवाज दी थी तो यार का म्यूजिक था उसमें और वो बहुत चली थी बराबर नहीं बहुत ज्यादा है ना। हाँ बहुत वायरल हुई थी उस टाइम यूट्यूब का इतना बड़ा क्रेज नहीं था ना जितना इस गाने का इंस्टाग्राम का था उस टाइम टिकटॉक का क्रेज था टिकटॉक पर तो बड़ी वायरल हुई थी बराबर नहीं खेती को छोटे छोटे आदमी टिकटॉक पर वायरल हो गए हाँ फिर बंद कर दिया तो उन्होंने फिर इंस्टाग्राम चुन लिया इंस्टाग्राम पर भी नुए है अब फेसबुक रील चुन ली उस पर भी चल रहा है यूट्यूब शॉर्ट्स पर भी चल रहा है यूट्यूब शॉर्ट्स पर भी चल रहा है तो एक आधी इसकी लाइन क्योंकि खेत में बैठे हैं अगर याद हो तो हो खेती क्यों कर छोड़ू मैडम जन्म ले लिया जाट के तेरे ख्याल कड़े तया मेरे मेरी देखे खेत बाट से मेरी देखे खेत बाट से। आपका गाना है देसी हरियाणा के हाँ और मैं एक दिन तैयार होने लग रहा और मैं पेंट बुंट बुशट दबू था अरे जब यू गाना चल पड़ा अच्छा। घर पे छोरे ने टीवी में चला दिया उसने जिक्र करा मेरे से हैं पापा जी आप अमित डुल का इंटरव्यू नहीं कर दे मगर जिस दिन का इंटरव्यू करूंगा उस दिन तना जरूर लेकर चलूंगा लैब भी नहीं आया उसने लैब में ट्यूशन का टाइम हो गया मतलब 5 बजे का टाइम मेरे मेरे दोस्त और यहां आ रहे हैं वो पीछे खड़े हैं सुमित शोरान उनका भी बड़ा इशारा है मेरी लाइफ में दोनों इकट्ठे पढ़ा कर दे तो आजा जा ना जा राजा मैं गोपाल स्कूल में इकट्ठे पढ़ा कर दे जी फोन दियो एक बारी मेरा वाई वाइट चलन दे इसने हां हां चलन दे इसने वाइट फोन दे तो हम गोपाल स्कूल में इकट्ठे पढ़ा कर दे 9वीं 10वीं में गोपाल विद्या मंदिर स्कूल है 9वीं में मेरा भाई मिला था दूसरा जल्दी दे वहां मैं भजन अपने लिखा करदा मतलब वैसे रफर फिर सारे मेरे रजिस्टर में सुमित लिखा करदा और इस सुमित को भी पता है कि स्ट्रगल बहुत ज्यादा कर रहा है और आज भी कर लग रहे हैं। सुमित अपना खुद की एकेडमी कर रखी है भाई ने जीन बिल्कुल द फिजिक्स के नाम से बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई वैसे भी जो साथी सुन रहे हैं जिनको अच्छी पढ़ाई करनी है अच्छी अच्छी फिजिक्स की केमिस्ट्री की बायोलॉजी की मैथ की तो वो द फिजिक्स एकेडमी पर जरूर आओ जी ठीक है। और बाकी डिटेल भी हम अपना देवांगे इस बारे में द फिजिक्स एकेडमी के बारे में जगह भी बतावांगे लेकिन बात यह है कि मेरे जीवन में सुमित का बहुत बड़ा असर है। वाह हाँ और भी बहुत अच्छे अच्छे मेरे मित्र हैं जिनने मेरा बहुत साथ दिया है सतीश डुल है मेरे गांव से ही वीडियो में देखे हैं सारे राजेश मलिक है जी बहुत सारे दोस्त हैं सुखबीर भाई साहब हैं जोगिंदर रेड्डू भाई साहब हैं विनोद पनियारी हैं अपने भाई तो बहुत सारे भाई साहब नाम गिनाऊं आपको नाम मैं दिखा दूं ये मेरा मित्र राम राम भाई राम राम और राम राम। भाई इस टाइम इंटरव्यू चल रहा है भाई देख तो भाई ठीक है भाई क्या हाल है हाँ मेरे साथ पढ़ रहे तो ये मेरे से बोला जब वहां पर जाओ मेरे तो बतला दियो इसका फोन आ गया तो मेरे याद आ गया ना ना हम साथ में पढ़े गोपाल स्कूल में जाना है
हम खेत में बैठे, हमारा खेत में औदी में बैठे है भाई। थोड़ी देर में बात कर रहे हैं, लाइव इंटरव्यू चल रहा है हमारा आज। ठीक है, करता हूँ बात जी। हाँ तो द फिजिक्स एकेडमी पे जरूर जाइए सारे, और एक बार डेमो जरूर लेके देखें जी। आगे देसी हरियाणा गाने की बात चल रही थी। यो जिस तरह की हरियाणा के बहुत सारे गाने सुने हैं, बहुत जबरदस्त जबरदस्त गाने बने हैं, छोरा में हरियाणा का, खासा तार का है, यार हरियाणा ते, और भी घने गाने हैं। उन मैंने भी सोचा कि गाना मैं भी सा लिखूं, जो मैंने लिख रखा है चालारी में, मैंने लिख रखा है जींदड़ा भी, मैंने खुद लिखना स्टार्ट कर रखा है। तो देसी हरियाणा के भी मैंने लिखा, और मैंने विक्रम मलिक भाई ने गाया और मोहन बेताब ने वीडियो करी है, बहुत बढ़िया गाना है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। एक लाइन ना दबा पेंट में बुरसट, ना काडा बाड़ा में बट, ना रखा डाडी में कट, सिंपल से बाने के, फैशन की लाड़ी तू हम देसी हरियाणे के, देसी हरियाणे के। और इस गाने की ईद जो लाइन चल रही है, ये ठड्डे पलवान देख ले, टूटे मारे कान देख ले, अब बॉडी में जान देख ले, कमा के खाने के। पहलवान बड़ी वीडियो बनाने लग रही इस पे, बड़े अच्छे अच्छे रेसलर ने इस वीडियो बनाई है, और 1 लाख रील होने वाली है इस पे लगभग। कुछ कलाकार हैं उनको लेके छोटे छोटे सवाल। हाँ, डांडा न्योली वाले के बारे में क्या कहना आपका? डांडा न्योली वाला भाई मैं जाना नहीं करता ठंडा ने, लेकिन जब वो उसका गाना सुना, मैंने 2-3 गाने सुने उसका, जो वे ऑफ सिंगिंग है वो मुझे बहुत बढ़िया लगा है। केडी के बारे में? केडी बहुत जबरदस्त, सबसे पहले राइटर है, बहुत अच्छा परफॉर्मर है, और राइटर का तो कहना ही क्या है, जबरदस्त और बहुत ही अच्छा इंसान है। मासूम शर्मा? मासूम शर्मा बहुत बढ़िया सिंगर है, और जितना मैं मिला हूँ बहुत बढ़िया इंसान है। पंजाबी, राजू पंजाबी? राजू पंजाबी जी को मैं सर बोलता हूँ शुरू से ही, और मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, जबरदस्त सिंगर हैं, बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। ओके, बात करें गजेंद्र फोगाट। गजेंद्र फोगाट जी बहुत अच्छे परफॉर्मर है हरियाणा के। कौन सा ऐसा कलाकार है जिसने, आपने इतने सालों के काम करते ना, कौन सा ऐसा कलाकार जिसके लिए आपने सबसे ज्यादा मजा आया काम करने में? मिल मन्ने मैंने ज्यादा काम तो मन्ने और बिंदर धनोदा ने करे है भाई ने। फीमेल में? फीमेल के साथ तो मेरे गाने ज्यादा है रुचिका जांगड़ी के साथ, तो रुचिका की और मेरे गाने ट्यूनिंग अच्छी है। हाँ, बहुत सारे गाने हैं जो मैंने रुचिका ने गाए हैं, और वो जिस तरह एक बिचोला गाना आया था मरियो बीज बिचोले का, इस तरह गाना था वो, 50 मिलियन है, एक तेरे बाप का जमाई का चेक रखा है, मैं नहीं पूछूंगा। हाँ, तो वो भी रुचिका के साथ है मेरा, और बहुत सारे गाने हैं जो रुचिका के मेरे। तो फिर एक गाना सुना दो। कौन सा? तेरे बाप का जमाई तुम्हें उड़ावे खुले नोट क्यूकर पूरा पटेगा, उड़ावे खुले नोट क्यूकर पूरा पटेगा, रे तेरे बाप का जमाई न्यूए काचे काटेगा, रे तेरे बाप का जमाई न्यूए काचे काटेगा। सपना चौधरी को लेके क्या आपकी क्या राय है? सपना चौधरी को लेके मेरी राय ये है कि आज हरियाणा ने एक बहुत बड़े लेवल पे लोग देखे हैं, तो उसमें सपना चौधरी का सबसे बड़ा हाथ है, मतलब उसके कारण फिर हरियाणा में इंडस्ट्री उठती है बहुत ज्यादा। ठीक है, और सपना चौधरी हरियाणा में ऐसी आर्टिस्ट है जो अब भी इसके साथ सबसे ज्यादा भीड़ है, आज भी मतलब इतनी पुरानी होने के बाद भी वो फैल रही है। हाँ, उसका रीजन है आपको मैं बताता हूँ। एक तो उसका जोन सबसे अलग है, वो उसका जोन है, जब उसने शुरू में डांस करना शुरू करा तो लोग उसका डांस पसंद है। ठीक है, उसके बाद डांस के साथ साथ उसका प्लस पॉइंट बताता हूँ उसको, अगर उसने 2000 गाने पर डांस करा ना तो 2 के 2000 गाने उसको याद है। अच्छा, आप उठा के देख लो, कभी भी स्टेज पर वो कोई गाना बोलते नहीं दिखाई दिएगा आपने। लिप सिंग अच्छी है उसकी, याद उसको याद है, वो अपना काम ने ईमानदारी से करती है, और बहुत अच्छी इंसान है वो। कंट्रोवर्सी में ज्यादा है पर अब जो बड़े लोग हैं वो सारे कंट्रोवर्सी में रहे, जिनके नाम अच्छे हो गए, तो कोई ऐसा कलाकार उसका उसकी कंट्रोवर्सी डिफरेंट तरीके से हुई ना, जैसे भाई उस पे केस हो गया था, केस के बाद वो डिप्रेशन में चली गई, जहर खा लिया था, फिर वो उस चीज पे बड़ा बवाल है, उसके बाद बिग बॉस में चली गई, बिग बॉस में वो पहले भी सेलिब्रिटी थी और बिग बॉस में भी अब वो बड़ी सेलिब्रिटी। हाँ, और जेन्युइन है। हाँ, जहां तक मेरी भी ऑब्जर्वेशन है, वो बहुत अच्छे इंसान है।
और मेरी बहुत हेल्प करी। अगर सपना चौधरी कभी सुने तो थैंक यू सो मच, मेरी बड़ी हेल्प करी है जिंदगी में उसने, एज एन आर्टिस्ट भी अच्छा एज एन ए पर्सन भी। कोई ऐसा कलाकार जो सबसे आपने नु लगा, उसमें तो नहीं है जवाब देना पड़ेगा, उसमें सबसे ज्यादा घमंड है, कोई ऐसा कलाकार भाई मैंने मैंने कभी मिले ना, नहीं ना, नाम तो चले लेना पड़ेगा, चेक नाम कीजिएगा। अमित डुल है ना, अमित डुल का तो भाई जवाब जवाब है ना, सारे सही है। देखो मन ना लगता हो कि बड़ा घमंड, उसने तो खून लगता नहीं, मृत्यु भी बहुत सारे कलाकार का घमंड है, मन तो खून लगता। तो कोई ऐसा कलाकार जिसके साथ आप काम नहीं करना चाहते, काम नहीं करना चाहता, आदमी बढ़िया पर मैं काम नहीं करना चाहता उसके लिए। मैंने तो सोचा नहीं काम मैं खुद का करूँ सारा, मैं भी तो खुद लिखने लग गया खुद ही मैं। फिर भी मतलब कोई कोई गाना ऐसा हो जो दो एक्टर के लिए करना हो, दो हीरो के लिए, दो सिंगर के लिए करना हो, जिसमें आप और एक वो हो, लेकिन उसके लिए आप नहीं करना मैं चाहते। पाकिस्तान के किसी भी कलाकार के साथ काम नहीं करना चाहता पाकिस्तान के तो बहुत अच्छे अच्छे गायक हैं, अमर करना नहीं काम उनके साथ। तो आप मतलब ठीक है, ये आपका कंसेप्ट है। अच्छा, हाँ कौन ऐसा आदमी है जिसके साथ आप दिल से कई बार काम करना चाहो और आगे आपकी इच्छा है, मतलब जिसके साथ आपने काम नहीं किया लेकिन उसके साथ काम करने की इच्छा है, भाई उसके साथ तो मैं काम करूं। देखो इच्छा की बात हम मन ने और अजय उड़ा ने 10 बार ट्राई कर लिया कि हम काम करा, अच्छा ऐसा भी हो लिया कि हम 3-4 बार तो उनका माइक खड़ा हूं मैं, मतलब ऑन द स्पॉट माइक पे गाना लग रहा हूँ, शुरू कर रहा है कि जब भी कोई समस्या आ जाओ मैंने आना पड़ गया। जैसे आज बात होगी, अभी किसान वाला गाना था वो, मोदी जी तारी तोप खड़ा है वो, हम गाने चले गए थे बिल्कुल रेडी माइक पे, स्टूडियो तैयार था। हाँ कॉल आई करते हैं नूर नू भी, जब गुड़िया पेट में थी, जल्दी आओ। तो 8-10 बार हो लिया ऐसा, हमने कोशिश करी कि हम काम करें। अरे गाना कितना वायरल हुआ। हाँ पर अफसोस को नहीं इस बात का, मन है कभी भी जिंदगी में, क्योंकि मैंने नू सोचा था जिंदगी में कि मैं देखो, रहने वाला तो भगवान है, कृपा करने वाला तो माता रानी है, गुरु महाराज है, पर जो अपना वैसे बात करें नॉर्मली एज एन ह्यूमन बींग, तो मैंने अपना दम पर करना पसंद है, मैंने अपना दम पे छोटा मोटा स्टैंड तो बनाया ही है, बहुत ज्यादा ज्यादा बड़ा सही, तो मैं कहना नहीं पर ना छोटा बड़ा ही मोटा। मानता, छोटा मोटा हाँ नहीं तो कहता। मैंने कोई आर्टिस्ट नु को नहीं कह सकता कि तू मेरे दम पे जरा नाम होया है, यू ला ले मेरा एटीट्यूड, ला ले मेरा तो गाना। फिर हमारे अमित डुल का गुरु कौन है? मेरे गुरुजी हैं जींद से मास्टर सिंदर जी, इनसे मैंने सीखा है, उसके बाद मैंने अम्बाड़ा सीखा, श्रीमती निधि नारंग जी मेरे गुरुजी हैं, दो जगह से मैंने म्यूजिक सीखा है। कौन सा ऐसा गाना था जिससे आपने जिंदगी में बहुत कुछ सीखा, चाहे फ्लॉप है चाहे सक्सेस है, कौन सा ऐसा गाना? जिंदगी में सीखा हाँ भाई, मैंने इस तरह गाने से एक्सपीरियंस बहुत हो, अच्छे बुरे जो भी। हाँ 2-3 गाने हैं मेरे ऐसे। एक तो मैंने कमाल है गाना गाया था कुछ दिन पहले, वो आप भी सुनना, बहुत अच्छा कंपोजिशन, बहुत अच्छा सिंगिंग म्यूजिक सारा, पर वो सुना नहीं क्योंकि वहां तक अपनी इंडस्ट्री भी पहुंची नहीं है। तो एक लाइन सुना दो फिर उसकी। ओ झूठा था तो झूठा था या झूठ मारगी, तेरे जिस्म की भूख आगे मैं हारगी, हर रोज मेरी रूह, मेरा पूरा याद नहीं आ रहा गाना वो, हर रोज मेरी रूह तोड़ दे तू कमाल है, मन रोंदी न कली छोड़ दे तू कमाल है। वो इस तरह जानी भी परा के गाने होते, इस तरह का हमने एक जोन में गाना करा था, पर वो लोगों को नहीं भाया, ये भी नहीं कह सकते भाया नहीं, लोगों तक पहुंचा ही नहीं वो गाना। एक हमने रागनी करी थी चोर, कौन सी? चोर नाम रागनी है, अच्छा लीलो जमाना है चोर है, ओके। उसकी वीडियो का कंसेप्ट वो ही दिखा रखा हमने जो पहले होया करता, जब लीलो और चमन होया कर दे, कुकर चमन के बाबू ने उसकी फीस देने खातर चोरी करी, फिर चमन के बाबू की शिकायत होगी, उसने पुलिस पकड़न चली गई, चमन ने वह पोटली हाथ में तो खोच ली, खुद जेल में चला गया, लीलो ने सोचा कि वो चोर हो तो बाहर आए, पास लीलो बोली चले जा चमन तू चोर है, फिर उन्होंने कहा लीलो जमाना है चोर है, फिर वो बताओ है कौन कौन चोर है। उसकी वीडियो देखना आप, व्यूज तो वाह, उसके 12 लाख है, पर वो अल्टीमेट वीडियो कर रखी है मोहन बेताब ने। क्योंकि मैंने लीलो चमन का जब गाना हुआ ना, तो वो के नाम है उस गायक का नाम मैं भूल जाऊँ, जो वैसे मेरे गाना चलता रहा सारे दिन, नाम भूल गया खैर मैं उस गायक गाना का, बता दो, मैं बता दूँ नाम, लीलो चमन पे ही अंजलि राघव और वो है, देर रखी है, हाँ हाँ, दिलेर दिलेर करके, खर किया, हाँ तो उनका गाना सुना मैंने तो, अरे हाँ मेरी गाड़ी में डेली वो गाना चला जरूर। बहुत अच्छा गाना, और वो चला भी था गाना वो। हाँ
तो एक लाइन तो आप सुना दो जो आपने रागे लगा रखे उस पर। हो पशुरा पखेरू क्या डोर है, लीलो जमाना है चोर है, जमाना है चोर है, जमाना है चोर है। यही थी लाइन। क्या बात। अच्छा, जो गायकी है जी वो सीखी जावे है या गुड गिफ्टेड है? सीखी तो देखो जावे है, चाहे गोड गिफ्ट भी हो। अब मेरा गला तो को नहीं, क्या मैं सीख सकूंगा? एक एक तो गोड गिफ्टेड है वो सीखा है सीखने का भी तो। कोई पैमाना नहीं है ना, आप कितनी सीख तो सको। आप जाओगे तो म्यूजिक के बारे में तो आपने पता ही लगेगा। ठीक बात है, सारे काम आप तो मेरे गा को। नहीं पाओगे, आप कैसे कितना गा पाओगे वो तो देखो आप पे हमारी डिपेंड। इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे गायक हैं जो स्टेज पे नहीं गा सकते, हाँ स्टूडियो में गाऊंगे हाँ है बहुत सारे हैं, वो सारे के 95% ना। कहूँ मैं। हाँ ऑनेस्टली मैं बात करूं राजू पंजाबी की, मैंने नू लगा है उसके गायकी में तो म्यूजिशियन की भी जरूरत को नहीं। बहुत बढ़िया लाइव परफॉर्मर, बहुत बढ़िया काम। राजू पंजाबी है, मैंने आपकी परफॉर्मेंस देखी मजा आ जावे, मासूम शर्मा की परफॉर्मेंस देखी मजा आ जावे। हाँ। उसके बाद वीनू गोड है भाई, हाँ वीनू सुरेंद्र गोड। रोमियो भाई साहब हैं, वो भी बहुत बढ़िया गावे हैं स्टेज पे। तो और भी होंगे कलाकार जो स्टेज पे हैं। फीमेल ऐसी कौन सी है जिसकी आपने एक्टिंग पसंद है? फीमेल हरियाणा में हरियाणा में। बड़ी है फीमेल एक्टिंग। फीमेल एक्टिंग कौन होगा? इसी नाम बता, जा पता किसी का नाम। मैं तो खुद ही नहीं जानता। मेरी फेवरेट तो अंजलि राघव है, अच्छा सपना चौधरी है, दो मेरी फेवरेट है। एक्टिंग में हाँ मतलब जिनका मैंने एक्टिंग वीडियो की अगर वगैरह। बात करा तो अंजलि राघव मेरी फेवरेट है भाई। हाँ वो उसके एक्सप्रेशन सबसे बेस्ट है आज तक इंडस्ट्री में। हाँ उसका है ऐसा, अभी मन्नत तो ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे कभी भी, ओके क्योंकि अभी हमारी वेब सीरीज भी आने वाली है। मैंने वेब सीरीज करी है एक, किसके साथ? मैं और विक्रम मलिक हैं भाई, दोनों हीरो और विलन का। उसमें विक्रम भाई है और मोहन बेताब जी उसके डायरेक्टर हैं, तो वो भी जल्दी आप लोगों का वीडियो शूट वगैरह सारा सिस्टम हो लिया, अभी डबिंग वगैरह चल रही है उसकी। वो भी एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ आएगी लोगों के लिए, कब तक आ जाएगी? बस 1-1.5 महीने बाद, लास्ट 2 महीने बाद। ओके तो हाँ हमारे दर्शकों को कोई एक चीज अगर आप बताना चाहें, उससे पहले एक बड़ा क्वेश्चन फिर से रहेगा। जी आपके दो बेटियां हैं, जी उनको क्या करवाना चाहते हो? क्या इस लाइन में लेना चाहो हो? या उन पे छोड़ दोगे, या उन्होंने भाई इस लाइन में तुम्हें आने नहीं अभी दूंगा? तो ऐसा कुछ नहीं सोचा है। नहीं, ये लाइन कोई बुरी लाइन थोड़ी है। नहीं फिर भी आपकी राय क्या ना है? ना, मैं पहली बात तो मेरे अंदर ऐसी कोई गलत फहमी नहीं है क्या लाइन, क्योंकि मैं इसे तो कमा खा रहा हूँ, सही बात है। मेरे बच्चे भी इसी से बड़े होंगे। तो हाँ, अगर मेरी लड़की सिंगर बनेगी तो मैं उन्हें भजन सिंगर बनाऊंगा। और देखो क्या करेंगे उन उनके अंदर क्या 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 मतलब कैपेबिलिटी किस चीज़ की है, वो किस चीज़ में इंटरेस्ट दिखाऊंगी, गेम में दिखाऊंगी या म्यूजिक की लाइन में दिखाऊंगी या स्टडी में दिखाऊंगी, तो उसी चीज़ में उनकी हेल्प करेंगे आप। थोपा को नहीं आप थोपा उन्हें को नहीं ना भाई, तने तो डॉक्टरी करनी है और ना कुछ ना नहीं ना है, ना, ऐसा कुछ नहीं है। ना। अच्छा हरियाणा की जनता को क्या मैसेज देना चाह रहे हो हरियाणा की जनता को एज एन आर्टिस्ट तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि भाई सभी प्यार प्रेम से रहो और हरियाणा ना आगे बढ़ाओ, हरियाणवी कलाकार ना आगे बढ़ाओ। हरियाणा के लिए जो भी सही कर रहे हैं ना, चाहे वो अपना भाई हो, स्टेप अप चैनल हो, या अमित डुल हो, या कोई भी कलाकार हो, सबको सपोर्ट करो और प्यार से रहो सारे, और गाने गाओ बढ़िया बढ़िया, सुनो कलाकार ने घूम। जी। ठीक चलो ठीक है भाई साहब, है बहुत बहुत जी, शुक्रिया राम सर। राम सारे ने, और चैनल ने सारे फॉलो करो। ठीक है, तो भाई ओके। यह वीडियो आपने किसी लागी? बाकी मैंने ऑनेस्टली मजा आया, मैं जो सोफे में बैठकर वहां पर जब इंटरव्यू करना उसकी बजाय यह फीलिंग ज्यादा बेटर थी। आपने वीडियो किसी लागी कमेंट बॉक्स में राय दे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।